इस संसार के सभी प्रकार के समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो हमारे शरीर से लेकर के बीमारियों से लेकर के, माने समाज में जितने प्रकार की विसंगतियां हैं, असंतुलन है, उन सारे असंतुलन को संतुलित करने का काम योग करता है। और यह हमारे पूर्वजों की यह प्राचीन विरासत है, उसे हमें बचाना है। तो आइए हम प्राणायाम रूपी गंगा में स्नान करने के लिए हम कदम को बढ़ाएंगे। तो आइए सभी सीधे बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में, इस प्रकार से बहुत बढ़िया। बस उतना ही बा, जैसे पहले कहले रही जा, जी जी जी, वही तो ऐसे नहीं करे के, ऐसे चलो ऐसे करके करे के बा। और मेरुदंड को सीधा रखते हुए गर्दन को भी सीधा रखेंगे, शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई जकड़न जकड़न नहीं, एकदम सहज भाव में शरीर को सीधा कर लेंगे। और प्राणायाम 8 प्रकार के हैं, उसमें हम आज पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी विधि बता देते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका क्या है, कोई भी प्राणायाम जब हम करेंगे तो एक आसन में हम बैठ जाएंगे, चाहे वो सिद्धासन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो, या कहने का मतलब कि जिनको जैसे बैठने में आराम मिले उसी आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। लेकिन यदि सामूहिक रूप से यदि हम कोई अभ्यास करते हैं तो एकरूपता रखने के लिए एक जैसा आसन हम धारण करते हैं। तो सीधे बैठे हुए हैं सिद्धासन में, और नाक में 2 छेद हैं। कितने छेद हैं? 2 छेद हैं, एक बायां है और एक दायां है। दोनों स्वर से बराबर मात्रा में हम सांस को फेफड़े में भरेंगे, डायफ्राम हमारा हिलेगा, और सांस को छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ेगा, पचकेगा। पेट में हवा नहीं ले जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, ध्यान सांसों पे रहेगा। तो एक बार हम करके दिखाते हैं, फिर हम लोग मिलकर के अभ्यास करेंगे 5 मिनट का। सीधे बैठ जाइए सभी लोग, खाली देखल जाए यह के कैसे करता है। धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों से प्राण वायु को हम धारण करेंगे। देख लीजिएगा, एक बार आंख बंद करते हैं, देखे के बाद मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप कोई चिकित्सक को देखे होंगे, डॉक्टर को, वो नस में सुई लगाता है तो उसका अंगूठा सिरिंज के पिस्टन पे रहता है और बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे दवा को पुश करता है। देखें आप लोग कितना सहजता पूर्वक। उसी प्रकार हम सांस को धीरे धीरे 5 सेकेंड तक भरेंगे और पुनः सांस भर जाए तो 5 सेकेंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे। आंखें बंद होनी चाहिए, ध्यान सांसों पर हो। सांस जब भरें तो एक संकल्प लेंगे, उसे शिव संकल्प कहते हैं। कहा गया है कि जैसा आप सोचेंगे उसी प्रकार का आपका जीवन हो जाएगा। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता भर जाएगी, यदि सकारात्मक सोचेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता भर जाएगी। इसलिए बढ़िया सोच करके, शुभ सोच करके आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जब सांस हम भर रहे हैं तो इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के, इस वातावरण के जो भी शुभ चीज है वो सब हमारे भीतर जा रहा है, और जब सांस को बाहर निकालें तो ऐसा लगे कि हमारे भीतर के सारे विकार, सारी बीमारियां हमसे दूर हो रहे हैं। तो आइए आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबकी आंखें बंद हो, बहुत देवी देवताओं की हमने पूजा की, लेकिन आज प्राण देवता की हम पूजा कर रहे हैं, प्राणेश्वर। इसे प्राण ईश्वर भी कहते हैं, नाम सुने होंगे गांव में भी, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, यानी प्राण ही हमारे लिए जीवन है और प्राण ही मृत्यु है। प्राण ले रहे हैं तो जीवन, और प्राण छूट गया तो मृत्यु, यानी जीवन और मृत्यु का खेल
पल पल में चल रहा है श्वास और प्रश्वास की क्रियाओं के साथ में। यदि भस्त्रिका प्राणायाम तीन प्रकार से करें, एक बार पुनः आंख को खोल लेंगे। अभी हम लोग सामान्य गति से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? सामान्य गति माने धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। मध्यम गति का अभ्यास, जैसे तीव्र गति का अभ्यास, सावधानी रखना है कि यदि किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो तो तीव्र गति का अभ्यास नहीं करना है। सबसे पहले आप सामान्य गति का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। महीना दो महीना यदि आप अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे मध्यम गति और अंत में बीमारियां दूर हो जाएं, तो तीव्र गति का अभ्यास आप करेंगे। लाभ क्या होगा? सांस की बीमारी, गले की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, ये दमा की बीमारी, दम फूलने की समस्या, और जिनको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, साइनस की समस्या हो जाए, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास करके इसे आप जड़ से मिटा सकते हैं। अरुआ का चलावा, तुला का चलावा।